फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्नैक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत है आसान। मैं ले रही हूँ 3 मीडियम साइज आलू, जिसे मैं छीलकर साफ कर ली हूँ। इसे मैं मोटी स्लाइस में कट कर लूँगी। इसी तरह से तीनों आलू को कट कर लूँगी। स्लाइस को मोटी ही काटना है, पतली नहीं काटना है। अब आलू की स्लाइस कट कर रेडी हो चुकी है। फिर मैं इसे एक बाउल में रख लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लूँगी। इसके स्टार्च पूरी तरह से निकलना चाहिए, नहीं तो आलू थोड़ा थोड़ा काली पड़ने लगती है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सूखा टॉवल, जिसमें मैं आलू को स्लाइस को फैला दूँगी और उसे एक एक करके अच्छे से पोंछना है, नहीं तो नमी रहेगी तो अच्छे से इसमें कोटिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर जिस कप से मैं मैदा ली थी, उसी कप से 1 कप पानी ले ली हूँ, जिसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और फिर मैं इसमें सभी आलू की स्लाइस को ऐड कर दूँगी। की स्लाइस में अच्छे से कोटिंग आने तक मिक्स करूँगी। और मैं ले रही हूँ एक ट्रे, जिसमें 1 कप ड्राई मैदा ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर आलू की कोटिंग वाली स्लाइस को ड्राई मैदे में एक एक करके ऐड कर लूँगी। इसे बहुत पास पास नहीं ऐड करना है, इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए, जिससे ड्राई मैदा अच्छे से कोट करते बन जाए। अब मैं इसे अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। अब मैं एक पैन में तेल को ऐड करके हाई फ्लेम पर गर्म कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर कोटिंग आलू की स्लाइस को एक एक करके ऐड कर दूँगी, जितना कि पैन में आ जाए। फ्लेम को मैं यहाँ पर धीमा कर दूँगी। इसे हमें धीमी ही फ्लेम पर फ्राई करना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। चम्मच की मदद से उलटते पलटते हुए धीरे धीरे स्लो फ्राई हमें करना है, बहुत डार्क फ्राई हमें नहीं करना है, तो स्नैक्स कड़वे लगेंगे। पोटैटो स्नैक्स पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन्हें मैं एक एक करके निकाल लूँगी। इसी तरह से पूरे पोटैटो स्नैक्स को निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी आसानी से बनने वाले स्नैक्स हैं। वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें, पूरा वॉच करें, रेसिपी तभी समझ में आएगी। स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इसको आप टोमेटो सॉस केचप के साथ ट्राई करें, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी खाइए, गेस्ट को खिलाइए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।